भाई एलोवेरा क्या बगैर खाद डाले हुए एलोवेरा के पौधों को बड़ा कैसे किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं तनवीर अहमद एसटी होम किचन गार्डनिंग से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो वो वीडियो ये है मेरी एलोवेरा पौधे के ऊपर। ये देखे मेरा कितना बड़े साइज़ का एलोवेरा पौधा, और ये मेरा एलोवेरा कितने साइज़ के फ्लावर पॉट में है, 8 इंच के फ्लावर पॉट में, सिर्फ 8 इंच के फ्लावर पॉट में। और एलोवेरा का साइज़ देखें, ये चेक करें कितना बड़ा साइज़ है इसका, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, और ये यहाँ तक, और एक ही गमले के अंदर बेशुमार एलोवेरा है। इस वीडियो की ख़ास बात है ये है कि बग़ैर खादें डाले हुए एलोवेरा के पौधों को बड़ा कैसे किया जा सकता है। इसी मज़ेदार टॉपिक के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू हो चुकी है हमारी, अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो वीडियो हमारी ज़्यादा प्रमोट होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा तनवीर भाई की वीडियो को। तो मैं आपको यूनिक तरीका ये बताने वाला हूँ कि बग़ैर खादें इस्तेमाल किए हम इतने बड़े साइज़ के एलोवेरा अपने घर में कैसे पैदा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ में मैं आपको बताता चलूँ कि एलोवेरा पौधे के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। एलोवेरा पौधा जो आपकी पौधों की खाद भी बना सकता है, आपके बालों को भी 4 चांद लगा सकता है, मतलब सर के बालों को ऊपर लगाएंगे तो लेडीज़ को ज़्यादा बेहतर पता होता है। लेकिन कौन सा एलोवेरा सर के बालों के ऊपर लगाना चाहिए और कौन सा एलोवेरा एज ए पका कर खाया जाता है, उस सब का मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि एलोवेरा कौन सा आप बालों के ऊपर लगा सकते हैं, वो वाला जिसकी उम्र कम से कम 1 साल हो। 1 साल के बाद ये मचोर होना शुरू होता है और इसके अंदर जो गदूद इसका होता है, गूदा सा बना होता है, जो मटेरियल होता है सॉफ्ट सा, वो मटेरियल 1 साल के बाद जाकर मचोर होना शुरू होता है। ज़्यादा मचोर 3-4 साल के बाद जाकर होता है। अगर उसको आप अपने बालों के ऊपर लगाएंगे तो यकीन करें बेहतरीन किस्म के आपके बाल बन जाएंगे। क्यों? आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि एलोवेरा के पौधे को का मटेरियल है सर पे लगाते हैं तो बाल शाइन होते हैं। वो बेसिकली जो 1 साल पुराना होता है उस वाले को इस्तेमाल किया जाता है, और ये शायद लोग चेहरे पे भी लगाते हैं इसको, तो वैसे ये ब्लैक कर देता है चेहरे को ना लगाना, मुझे इतना इसका आइडिया नहीं है कि ये चेहरे को लगाते हैं कि नहीं लगाते। हाँ, इसको खाते ज़रूर हैं, एज ए मेडिसन भी इसको खाया जाता है। तो मेडिसन खाने के लिए जैसे ही आपका एलोवेरा का पौधा 3-4 माह का ज़्यादा पुराना हो, मतलब उसका साइज़ पत्ता इस साइज़ का मोटा हो जाए, तो फिर आप ये खा सकते हैं। अगर ये बरीक वाले साइज़ का पत्ता है ये नहीं अभी खाना, ये क्योंकि अनमच्योर पौधा है, ये ज़रा मच्योर हो चुका है, इसकी साइडें काट के इसके अंदर से वो गदूद निकाल कर आप वो बनाकर खा सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं कि गर्मी के सीज़न के अंदर एलोवेरा की केयर कैसे की जाती है। ये येलो क्यों होना शुरू हो जाता है, पीला पीला सा पड़ना शुरू हो जाता है, जिससे हम घबरा जाते हैं कि हमारा एलोवेरा पौधा ख़राब हो रहा है, वो इस वजह से क्योंकि हीट की वजह से। अगर आप हीट से इसको बचा सकते हैं तो वहाँ पे रखें जहाँ पे कि है ग्रीन नेट वगैरह जहाँ पे लगा हुआ है, आपने चुप करके जितने भी धूप में आपने गमले रखे हुए हैं सारे उठाएँ और उनको उस दीवार के एरिए में रख दें जहाँ पर शेड है, जहाँ पर 1-2 घंटे धूप आती हो, बाकी शेड ही रहे, वहाँ पर सारी गर्मियों में आपका एलोवेरा तरोताज़ा रहेगा, पीला नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई खाद नहीं आपने इस्तेमाल करनी, कुछ भी नहीं करना। और इसके बाद मैं आपको बताऊं, ये देखें ये छोटा सा पौधा मेरे हाथ में है, ये देखें ये दिखाई दे रहा है छोटा सा पिद्दा सा, ये वाला एलोवेरा का पौधा जैसे अभी आप लगाते हैं गर्मी के सीज़न के अंदर मई में, तो इसको लगा कर आपने छाँव में रख देना है। छाँव में तब तक रखे रखना है जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाता। जब ये स्टेबल हो जाए तो फिर आपने इसको वहाँ पे रख देना जहाँ पे 1-2 घंटे धूप आती हो। ज़्यादा छाँव में भी रखेंगे तो पौधा ख़राब होना शुरू हो जाता है, वो इस वजह से क्योंकि इसको सनलाइट नहीं मिलती। सनलाइट ना मिले तो पौधा अपने पत्ते बारीक बनाना शुरू कर देता है और ये पीला पड़ना भी शुरू हो जाता है। अभी बात आ जाती है कि खादें क्यों नहीं इनको इस्तेमाल करनी है आपने। गर्मी में तो आपने बिल्कुल इसको खाद इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, गर्मी में ये वैसे ही खुद रो उगता रहता है। बस जिस मिट्टी के अंदर आप इसको एक दफ़ा लगाएंगे उस मिट्टी को आपने गाय के गोबर, पुराना गाय का गोबर है वो डाल लें, 50 गाय का गोबर डालें और 50% मिट्टी डालें, दोनों को अच्छी तरह मिक्स करके गमले के अंदर भरें और पौधे को लगा दें, और बस उसके बाद कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ गर्मियों में ये करना होता है कि इसको शेड में रखना होता है जहाँ पर 1-2 घंटे धूप आती हो, बाकी छाँव रहती हो, और सर्दियों में क्या करना होता है वहाँ रखना होता है जहाँ सारा दिन धूप आती हो, फिर छाँव में नहीं रखना होता। और ये जो हमारा पौधा है इसको इतनी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसके पत्तों के अंदर
पानी भरा हुआ है कुदरती तौर पर, तो ये गर्मियों में अपने उस पानी को भी इस्तेमाल करके सर्वाइव कर लेता है। लेकिन गर्मियों में आपने इसको पानी लाजमी देना है, ये ना हो कि पानी बिल्कुल ही छोड़ दें और ये पीला पड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसको इजाफी पानी की थोड़ी बहुत ही ज़रूरत पड़ती रहती है। वो थोड़ी बहुत ही पानी की जो ज़रूरत है वो आपने इसको देते रहना है। और सर्दियों में तो बिल्कुल ही कम कर देते हैं पानी, बिल्कुल कम। और हम क्या करते हैं कि ऐसे बस देखा आधा ग्लास हमने खुद पी लिया पानी, और वो फेंकने के बजाय बेचारे एलोवेरा के गमले के अंदर उन्हें डेल दिया, चल भी तुम भी पी ले। उसे ना पानी पीना ना हो, हम उसे ज़बरदस्ती पानी पिला देते हैं, इसकी वजह से एलोवेरा की डेथ हो जाती है। ये कोई और रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ ये सिंपल एक तरीका है। पानी ज़्यादा आप इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से सर्दियों में ख़राब होता है, और गर्मियों में आप वहाँ बेचारों को छोड़ देते हैं जहाँ पे सारा दिन हीट मिलती रहती है, हीट मिल के बेचारों का रंग उड़ जाता है और वो पीले पड़ जाते हैं। ये ब्लैक नहीं होते जैसे इंसान ब्लैक हो जाते हैं, ये पीला पड़ना शुरू हो जाते हैं, फिर ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए जैसे ही आपको लगे कि गर्मियों में हल्का सा पीलापन आ रहा है तो आप इसको पानी दे सकते हैं। और ये नोट करें कि वहाँ जहाँ रखा हुआ है वहाँ पे गर्मी तो नहीं ज़्यादा, अगर गर्मी ज़्यादा तो इसको हटाकर शेड वाले एरिए में कर दें। सिंपल ये तरीका है और कोई रॉकेट साइंस नहीं है एलोवेरा को लगाने की। मेरे पास ये पीछे भी एलोवेरा लगे हुए हैं, भरे हुए हैं गमलों के अंदर। ये एलोवेरा कहाँ पड़े हुए हैं? छाँव के अंदर पड़े हुए हैं। छाँव कौन सी? दरख्त की छाँव के नीचे पड़े हुए हैं, जहाँ पे एक दो घंटे धूप मिलती है, बाकी छाँव इनके ऊपर रहती है, तो बेहतरीन सर्वाइव कर रहे हैं। ये देखें आपके सामने, और छोटे से गमले का हाल देखें क्या हुआ पड़ा है, और ये छोटा सा गमला उठाया भी नहीं जा रहा। ये देखें, ओ बड़े बड़े बले, ओ बले बले। ये काफ़ी भारी है माशाल्लाह से ये मेरा पौधा। तो ये पीछे भी लाइन लगी हुई है गमलों की, जो एलोवेरा जिसके अंदर लगे हुए हैं मेरे। आपको ये वीडियो एलोवेरा की कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा एलोवेरा की वीडियो को। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।